समेट लो कि बड़े काम की है दौलत गम, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। सो सुख और दुखों का बैलेंस हमारे लाइफ में होना चाहिए, तभी हम जिंदगी जी सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आए और कारवां बनता गया। आपके हित का कौन है, आपका अनहित कौन चाहता है, आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, ये जानना जरूरी है जीवन में। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में। पिछले हफ्ते आपने गीतकार इंदिवर के लिखे गीत छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, इसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। आज के गीतकार का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में असरारुल हसन खान के रूप में हुआ था, जहां उनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। उनके पिता हालांकि एक पुलिस अधिकारी थे, मगर वे अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा देने के बहुत कायल नहीं थे और इसीलिए उसे मदरसा शिक्षा के लिए भेजा गया, जिसके कारण उन्हें पहले दारे निजामी की योग्यता प्राप्त हुई। 7 साल का कोर्स जो अरबी और फारसी में प्रवीणता के साथ धार्मिक मामलों पर भी केंद्रित था, और फिर आलिम का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तखमीलुत्तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में प्रवेश लिया। जब वो सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी एक गजल सुनाने के लिए गए तो उस समय वे एक संघर्षरत हकीम थे। गजल दर्शकों के बीच हिट हुई और हमारे आज के नायक ने अपनी नवेली चिकित्सा पद्धति को छोड़ने का फैसला किया और गंभीरता से कविता लिखना शुरू कर दिया। जी हाँ, जल्दी वो मुशायरों में एक नियमित नाम थे और जिगर मुरादाबादी के शिष्य थे। उन्होंने उर्दू कविता के सबसे प्रसिद्ध छंदों में से इसे भी लिखा था जो मैं बताता हूँ आपको। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आए और कारवां बनता गया। उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा आज के शायर और गीतकार को। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी, इसी नाम से उन्होंने 5 दशक तक हिंदी सिनेमा को अपने गीतों से संवारा था। 1945 में मजरू साबू सिद्दीकी की संस्थान में एक मुशायरे में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए। यहां उनकी गजलों और शायरी को दर्शकों ने खूब सराहा। प्रभावित श्रोताओं में से एक थे फिल्म निर्माता A.R. कारदार। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के मार्फत मजरू सुल्तानपुरी से संपर्क किया, मगर मजरू ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया। उन्हें उस दौर के फिल्मी गीत आकर्षित नहीं कर रहे थे, लेकिन जिगर मुरादाबादी ने उन्हें यह कहते हुए मना लिया कि फिल्में अच्छा भुगतान करेंगी और मजरू को उनके परिवार को अच्छी आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसके बाद प्रोड्यूसर कारदार उन्हें संगीतकार नौशाद के पास ले गए, जिन्होंने इस युवा लेखक की परीक्षा ली। उन्होंने मजरू को एक धुन दी और उसे उसी मीटर में कुछ लिखने के लिए कहा, और मजरू ने लिखा। जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, नौशाद को लिखे हुए ये बोल पसंद आए और उन्होंने मजरू को 1946 की फिल्म शाहजहां के लिए एक गीतकार के रूप में साइन किया। फिल्म के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि गायक KL सहगल चाहते थे कि जब उनका अंतिम संस्कार हो, जब दिल्ली टूट गया गीत बजाया जाए। एक तरफ मजरू खुद को एक गीतकार के रूप में स्थापित कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके वामपंथी झुकाव ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। सरकार उनकी स्थापना विरोधी कविताओं से खुश नहीं थी और सन 1949 में उन्हें बलराज सहनी जैसे अन्य वामपंथियों के साथ जेल में डाल दिया गया। मजरू को माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें 2 साल जेल की सजा हुई। जब वे जेल में थे तब उनकी सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। इसी दौरान उनके परिवार को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सन 1953-54 में उनका फिल्मी करियर गुरुदत्त की फिल्म बाज और आर पार के साथ नए सिरे से शुरू हुआ। बाबूजी धीरे चलना, कभी यार कभी पार, ये लो मैं हारी पिया और सुन 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 जालिमा जैसे सफल गानों के साथ मजरू एक धमाके के साथ वापस आ गए। इसके बाद उन्हें फिर कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वर्ष 1964 में मजरू सुल्तानपुरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साझेदारी फिल्म सत्यन बोस की फिल्म दोस्ती के माध्यम से शुरू हुई। इस फिल्म के सभी गीत पॉपुलर थे और आज हम इसी फिल्म के गीत राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, इसके अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो हमें बॉलीवुड के उन गीतों के साथ रूबरू करा रहे हैं जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। तो आइए सुनील जी से चर्चा करते हैं। प्रणाम सुनील जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। राजश्री प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हमेशा से ही पारिवारिक फिल्में बनाते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राजश्री प्रोडक्शंस की नींव
उस वक्त के महान डायरेक्टर सत्यन बोस की फिल्म दोस्ती से पड़ी थी। तो आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक न भूलने वाला गीत। दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपना के जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो सुनील जी, क्या आपको लगता नहीं है इस गीत को सुनने के बाद जीने की एक प्रेरणा सी मिलती है? क्या कहता है आपका अध्यात्म? निस्संदेह ये ठीक है कि हम ये मानकर चलते हैं कि सब सुखी रहें, किसी को दुख ना हो, और ऐसा सोचना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों रहेंगे, और जो आपने कहा कि दुख से जीवन को एक प्रेरणा मिलती है, तो ये बात सही है। क्योंकि सोल्जेनित्सिन एक रूसी साहित्यकार हैं, वो कहता है कि एक जाति को हार की ज़रूरत होती है, जैसे एक व्यक्ति को तकलीफ़ें और विपदाएं चाहिए। ये विपदाएं उसके जीवन को गहरा करती हैं और उसके आत्मिक उत्थान का कारण बनती हैं। तो आपने जब कहा कि जीवन की प्रेरणा मिलती है, तो अंतिम वाक्य क्या है? आत्मिक उत्थान का कारण बनती है। क्योंकि जब आपके सामने दुख आकर खड़ा होता है ना, तो आपको एक ताकत अंदर से मिलती है, क्योंकि निपटना आपको ही है उससे। और इसलिए रहीम ये कहता है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। लेकिन एक बात है उसमें कि थोड़े दिन, क्योंकि सुख और दुख आता जाता है। तो रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। तो आपके हित का कौन है, आपका अनहित कौन चाहता है, आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, ये जानना जरूरी है जीवन में। और ये जब आपके सामने दुख आता है, तो उस समय ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो जीवन की प्रेरणा इसीलिए है दुख में, क्योंकि दुख आपको मजबूत भी करता है। और कवि और शायर तो ये कहते हैं, गालिब का तो एक शेर है, गालिब ये कहते हैं कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं होती। यानी अगर आपको शायरी करनी है, वो पंत ने कहा ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो वहाँ भी वो दुख की बात कर रहे हैं। वियोग यानी क्या है? दुख है। तो गालिब भी वही कह रहे हैं ना कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं होती। तो आपके पास जब दर्द आता है, संत ज्ञानेश्वर का वाक्य है, हाँ, विश्वा से आर्थ माझा मनी प्रकाश ले, सारे जग का दुख वो चाह रहे हैं। और संतों ने दुख की मांग की है। कुंती ने कहा ना महाभारत में कि ईश्वर माने हे कृष्ण, तुम मुझे दुख देना, क्योंकि सुख में तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो संतों ने, पीरों ने, फकीरों ने ये दुख चाहा है, क्योंकि ये दुख हमें मांझता है और हमारे जीवन को और गहरा करता है। सुनील जी, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। तो अब सुनते हैं इस गीत की आगे की पंक्तियाँ। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई
अपना तो है हम राह तेरे, कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ हो सुख है एक छाव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो सुनील जी, इट इज सेड दैट हैप्पीनेस इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, बट इट इज द ग्रीफ दैट डेवलप्स द पावर ऑफ माइंड। जी, डू यू एग्री विद इट? फिराक गोरखपुरी एक बात कहते हैं, जी, समेट लो कि बड़ी एक काम की है दौलत गम। वो बड़े काम की बताते हैं दुख को। समेट लो कि बड़े काम की है दौलत गम, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। सावरकर कहते हैं प्रतिकूल तेज घड़ेल, यानी वो तो प्रतिकूल की मांग करते हैं, क्योंकि प्रतिकूल जो होगा उसे अनुकूल बनाने के लिए आपको अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी और आपको अपनी शक्ति भी लगानी पड़ेगी। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में सब दुख और शोक ही है, लेकिन किसी एक को तो उसे सहना और झेलना ही पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, माँ तू मुझे शोक दे, माँ तू मुझे रोग दे, माँ तू मुझे मृत्यु दे, मैं तेरा इंतजार करूँ। सच्चा भक्त या सच्चा साधक जो है वो चाहता है, मांग करता है, क्योंकि बात वहीं आती है कि दुख आपको मांझता है, और इसलिए आपकी सारी शक्ति आपकी सारी पावर उस समय वो काम कर रही होती है और आपकी संवेदनाएं और गहरी हो जाती हैं। क्योंकि आप ये देखा होगा अक्सर आपने कि ये माना जाता है कि दुख में मनुष्य मनुष्यता के अधिक निकट होता है, आदमी आदमियत के पास चला जाता है, मानव मानवीयत के पास चला जाता है, क्योंकि सुख में अपने में ही आदमी मगन रहता है ना। रहीम, फिर से एक बार रहीम याद आते हैं जब वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो ईश्वर का स्मरण वो आप जब सुख में हैं तब भी करें, जब दुख में हैं तब भी करें, क्योंकि ये तो आनी जानी है बात, दुख भी रहेगा सुख भी रहेगा, न कभी दुख कम होगा न कभी सुख कम होगा। तो ये परिस्थितियां जीवन में आएंगी जाएंगी, और इसीलिए कवि ये कहता है कि दुख हो या कि सुख सदा संग ना कोई, दुख है या सुख है सदा संग ना कोई, फिर दुख को अपनाइए। क्यों अपनाइए? जाए तो दुख ना होए, क्योंकि दुख के जाने से आपको दुख नहीं होगा, सुख के जाने से आपको दुख होगा। इसलिए वो ये कह रहा है कि उसके जाने से आपको दुख नहीं होगा, दुख को अपनाइए। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। सो सुख और दुखों का बैलेंस हमारे लाइफ में होना चाहिए, तभी हम जिंदगी जी सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। यूं तो मजरू सुल्तानपुरी ने उस दौर के सभी शीर्ष संगीतकारों के साथ काम किया था, जैसे अनिल विश्वास, नौशाद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन, सलील चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मगर एसडी बर्मन के साथ उन्होंने सन 50 के दशक में
कुछ उत्कृष्ट बहुत बेहतरीन गीतों को जन्म दिया जो आज भी सदाबहार हैं। एसडी बर्मन के साथ उन्होंने पेइंग गेस्ट, 9-2-11, काला पानी, 16 साल, सुजाता, बम्बई का बाबू और ज्वेलदीप जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके द्वारा लिखे गए हिट गानों की सूची बड़ी लंबी है क्योंकि इन सभी फिल्मों में उनके लेखन के लिए कुछ बेहद बारीक संगीतबद्ध गाने थे जो लाइट हार्टेड, छेड़छाड़, चंचल और रोमांटिक थे। जैसे छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, आंखों में क्या जी रुपहला बादल, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। लेकिन उन्हीं फिल्मों में मजरू ने दिखाया कि गंभीर गाने भी वे कितनी खूबसूरती से लिख सकते हैं। मसलन, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, और साथी न कोई मंजिल, वगैरह वगैरह। मजरू ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए नासिर हुसैन को आर डी बर्मन से परिचय कराने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 7 फिल्मों में 1966 से लेकर के 1981 तक एक साथ काम भी किया। मजरू ने फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे के लिए अपना एकमात्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता। उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार थे। मजरू सुल्तानपुरी काफी समय तक फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त थे और फिर उन्हें निमोनिया का गंभीर दौरा पड़ा। 24 मई 2000 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सुल्तानपुर के नगर निगम ने दीवानी चौराहे के पास उनकी याद में एक बगीचा मजरू सुल्तानपुरी उद्यान बनाया है। गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के वीडियो को यहीं देते हैं लगाम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म गीतकार आनंद बख्शी के गीत। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्ती के इसी प्यारे से रिश्ते पर और एक सच्चा दोस्त क्या होता है। दोस्ती सच्ची तो वही है जहाँ ये गीत की पंक्ति कह रही है कि जब यार जुदा होता है। बख्शी एक बहुत गम्य, भावनात्मक और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। वो गायक नहीं बन सके लेकिन वो गीतकार बन गए। आप ये चाहोगे कि आपके दोस्त में सब कुछ आपके अनुकूल हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो व्यवहार करे, तो ये संभव नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।